अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं? आप देख रहे हैं जेकेपी आर्ट और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट साद अब्दुल्ला। सुनाए कैसे हैं सारे? एक लंबे अरसे बाद जो है तो आप लोगों से दोबारा मुलाकात हो रही है और कुछ नया करने का सोच रहे थे, कोई नया कॉन्टेंट बनाने का सोच रहा था, तो कुछ समझ में नहीं आ रही थी, तो मैंने कहा कि आप गाइस से जो है तो सजेशन लिया जाता है। तो गाइस आप बताएं कैसे हैं सारे, क्या चल रहा है आजकल लाइफ में? कोरोना की वजह से जो है तो बहुत सब कुछ जो है तो तकरीबन बंद हो चुका है, तो काफ़ी लोगों को जो है तो नुकसान हो रहा है, कारोबार नहीं है, काम काज नहीं है ऐसा। लेकिन फिर भी जो है तो हर हाल में मैं यही कहूँगा कि अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए, जितना शुक्र अदा करेंगे उतना कम है। और आजकल तो चल भी रहा है, PSL भी चल रहा है, आई होप आप लोग इन्जॉय कर रहे होंगे PSL को। और जैसे कि कल इस्लामाबाद और सलमी का मैच हुआ है और अच्छा और कांटेदार और टाकरे वाला मुकाबला हुआ है जो कि आप सब ने देखा है, और उसमें भी जो है तो क्या नाम है उसका इफ्तिखार ने भी अच्छी इनिंग्स परसों खेली थी, जो उसने जो है तो काफ़ी मतलब स्कोर किया है, एक ओवर में यानी 3 छक्के 1 चौका मारा, वो उसका जो है तो उनको महंगा ओवर पड़ा है। और इसी तरह गाइस बस नई नई ज़िंदगी होती है, हर रोज़ाना नई सुबह होती है, एक शाम होती है, बात वही आ जाती है कि हर रोज़ सुबह होती है शाम होती है, यूँ ही ज़िंदगी तमाम होती है। कितने दोस्त यार हमारे जो है तो हमें छोड़ के इस तरह चले गए दुनिया से, तो ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं गाइस। किसी भी वक्त इंसान की आंखें बंद हो जाए, क्या पता मुझे अगला सांस आए ना आए। और पता नहीं आप लोग मेरे चैनल पे आते भी हैं नहीं आते हैं, क्योंकि मेरे जहाँ तक माइंड में है 101 सब्सक्राइबर्स मेरे हो चुके थे, और काफ़ी स्ट्रगल के बाद आई थिंक 3 to 4 ईयर्स में जो है तो ये 101 सब्सक्राइबर मैंने किए हैं। एक्चुअली मेरे पास कोई कंटेंट नहीं था बनाने को, कुछ माइंड मेरा माइंड काम नहीं कर रहा था, तो अभी भी जो है तो समझ लें कोई कंटेंट मेरे पास है नहीं, कोई ख़ास कंटेंट मेरे पास नहीं है कि यार मैं आप लोगों से शेयर करूं। लेकिन मैं यही सजेशन देना चाहता हूं आप सबसे कि यार आप लोग बताएं मुझे कि किस टाइप का कोई कंटेंट किया जाए, ताकि हम भी जो है तो चलो थोड़ा बहुत तो उस पर आ ही जाएंगे ना यूट्यूब पे, और कुछ नहीं तो। बहरहाल गाइस देख लें, मुझे बेशक आप लोग कमेंट कर लें, मैं तो आप लोगों से पहले भी कहता था काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है। तो फ़िलहाल जो है तो मैं यही सोच रहा था कि यार कोई कॉन्टेंट ढूंढा जाए, तो गाइस आप लोग मुझे प्लीज़ गाइड करें, और ताकि उस हिसाब से जो है तो फिर मैं कंटेंट बनाऊं। हाँ, ये बीच में मैंने स्टार्ट किया था कि टूरिज्म का थोड़ा सा कंटेंट बनाना शुरू किया था, व्लॉग्स बनाए थे, लेकिन ये कि वो सीन नहीं हुआ जो कि मैं चाह रहा था, क्योंकि अकेले बंदे से जो है तो आपको पता ही है फिर अकेले बंदे का क्या सीन होता है। तो आगे अब अल्लाह मालिक है, बाकी जो होगा अच्छा ही होगा। तो स्नैक वीडियो के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो स्नैक वीडियो हो गई या टिकटॉक हो, देखें अगर मैं करना चाहूँ ना तो मैं गाने और ये डांसिंग और ये ओवरऑल मतलब ये कुछ भी जो है तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन एक चीज़ का जब पता है कि यार शरीयत हुक्म नहीं देती एक चीज़ को, तो अब हर बंदे का अपना एक माइंड है, हर बंदे का जो है तो अपना एक दिल है, हर बंदा जो है तो अपने माइंड से सोचता है, अपने हिसाब से सब कुछ करता है। तो मुझे नहीं, असल में ये चीज़ मुझे नहीं अच्छी लगती कि यार मैं एक बेहयाई की तरफ किसी को लेके जाऊँ या किसी को भी इस तरह नाच गाने की तरफ लेके जाऊँ। आई एम सॉरी अगर आप लोगों को मेरी ये बात बुरी लग रही हो, तो बाद में वही कहूँगा कि यार जो हर बंदे का अपना माइंड है, जो हर बंदा अपने माइंड से सोचता है, ठीक है। लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाई थी, उस पर व्लॉग बनाया था ये पार्सल्स पे, DHL जो अनडिलीवर पार्सल्स होते हैं मैंने वो मंगवाए थे, लेकिन उसमें भी कोई ख़ास कामयाबी नहीं मिली थी, क्योंकि उसमें तकरीबन मैंने लमसम 10,000 का माल मंगवाया था, तो उसमें जो है तो मेरा ना करते हुए 3-4 हज़ार का माल निकला होगा, जो वो माल जो कि कोई ले ही नहीं रहा, अभी भी काफ़ी माल पड़ा हुआ है जिसमें से, उसमें मैंने काफ़ी माल बेचा भी है, सेल भी किया है, उसके खातिर मैंने अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया था, अपना पेज भी बना लिया था, लेकिन ये कि वो कामयाब नहीं हो सका। तो बस आप लोगों से सजेशन लेना चाह रहा था, इसी वजह से मैंने कहा चलो यार दोबारा रीओपन करते हैं यूट्यूब को, दोबारा एक नई जर्नी के साथ जो है तो आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं, कुछ देखते हैं क्या आप लोगों के रिव्यूज़ आते हैं, उसी रिव्यूज़ के हवाले से जो है तो बस मैं आज आप लोगों के सामने हाज़िर हूँ। तो मेरा ख्याल से फ़िलहाल के लिए इतना ही, और काइंडली आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप लोगों का क्या जाता है, देखें आप लोग अगर किसी को सपोर्ट करते हैं कल को आप लोगों को भी कोई सपोर्ट कर लेगा,
हाँ मैं ही करूँगा, कोई क्या, मैं आप लोगों को सपोर्ट करूँगा इंशाल्लाह, मेरा ये आप लोगों से प्रॉमिस है। और मेरी एक बात है कि मैं इंशाल्लाह जो भी बोलता हूँ मैं उस पर कोशिश करता हूँ कि पूरा होता, क्योंकि गलत बात ना तो मुझे माँ बाप ने करनी सिखाई है ना मैं किसी के गलत बात में बर्दाश्त करता हूँ। बाकी जो करता है उसका अपना दीन मान, क्योंकि हर बंदे ने अपनी कब्र में जाना, किसी ने किसी के जाके जो है तो अपना माल में अपना इजाफा नहीं करना, किसी ने भी जाके जो है तो हिसाब नहीं देना। तो देख लें गाइस, और अगर आप लोगों को कोई माइंड में आता है कंटेंट वगैरह, क्योंकि अकेले बंदे का आप लोगों को पता है कि वन मैन आर्मी बनना ना एक काफ़ी स्ट्रगल के बाद जाकर जो है तो वन मैन आर्मी बनता है। अदरवाइज़ अगर जब तक आपका टीम वर्क ना हो ना, आप कोई बिग कंटेंट या बिग प्रैंक वगैरह या फिर कोई इस तरह का सीन आप लोग नहीं कर सकते। और इस चीज़ का इलम आप लोगों को भी है, मुझसे ज़्यादा है, बल्कि आप लोग यूट्यूब देखते हैं, सारा कुछ करते हैं, मैं भी देखता हूँ यूट्यूब में। अब इस टाइम पर जो है तो समझ लें मैं वर्कआउट भी कर रहा हूँ, जिम वर्कआउट भी जाता हूँ, ठीक है, जिम जाता हूँ। तो लेकिन ये कि अभी मेरे वो स्ट्रगल का टाइमिंग है, मैं भी स्ट्रगल कर रहा हूँ, आई होप अल्लाह करेगा कामयाब भी हो जाएंगे। बाकी ये कि ये भी मैं आप लोगों को बता दूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाफिज़ कुरान हूँ, और कुरान मैंने हिफ्ज़ किया हुआ है तकरीबन 2014-2015 में, मेरा ख्याल मैंने कुरान कम्प्लीट किया था, अल्हम्दुलिल्लाह तकमील किया था। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा शॉप है तो शॉप में शोर वगैरह आगे पीछे ज़्यादा होता है, इसके लिए मैं माजरत चाहूँगा। बाकी गाइस देख लें, और फ़िलहाल मेरा ख्याल इतना ही करते हैं, बाकी करते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, आप लोगों के साथ दोबारा हाज़िर होता हूँ जैसे ही मुझे मौका मिलता है या कोई कॉन्टेंट मिलता है या फिर किसी भी भाई बहन का या किसी के भी जो है तो अगर कॉमेंट्स आते हैं तो मोस्ट वेलकम। बाकी अदरवाइज़ आप लोगों को जो सूट करे। तो फ़िलहाल के लिए गाइस इतना ही, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।